भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला जब खेला गया बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में, तो यह मुकाबला काफी रोमांचक भरा रहा। इस मुकाबले में एक नहीं बल्कि दो दो सुपर ओवर खेला गया। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 212 रनों का स्कोर खड़ा किया था। इसके बाद अफगानिस्तान ने भी 6 विकेट पर 212 रन बना डाले। फिर क्या था, ये मुकाबला जा पहुंचा सुपर ओवर में, जहां अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 16 रन बनाए लेकिन टीम इंडिया ने भी 16 रन बना दिए, तो ऐसे में ये सुपर ओवर भी टाई पर खत्म हुआ। इसके बाद दोस्तों एक और सुपर ओवर खेला गया जहाँ टीम इंडिया ने बाजी मारी। तो आखिर ये सुपर ओवर का रूल क्या है, आखिर क्या कहता है ये सुपर ओवर का नियम, तो चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच ये हाई वोल्टेज रोमांच भरा मुकाबला कैसा लगा। तो दोस्तों क्रिकेट में सुपर ओवर की शुरुआत 2008 में टी20 से हुई और फिर वनडे में इसका इस्तेमाल 2011 में हुआ। सुपर ओवर का इस्तेमाल तब होता है जब दोनों टीमों का स्कोर बराबर हो जाता है और मैच टाई हो जाता है। ऐसे में मैच का रिजल्ट निकालने के लिए दोनों टीमों को सुपर ओवर के तहत एक एक ओवर खेलने को मिलता है और मैच का रिजल्ट निकाला जाता है। लेकिन एक सवाल सभी के मन में यह भी होगा कि आखिर भारत अफगानिस्तान के बीच एक ही मैच में दो बार सुपर ओवर क्यों खेला गया। तो दोस्तों आपको याद दिला दे कि वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल मुकाबला टाई पर खत्म हुआ था। इसके बाद दोनों टीमों के बीच खेले गए सुपर ओवर भी टाई पर खत्म हुआ था। तब पूरे मैच में ज्यादा चौके और छक्के लगाने वाली टीम को विनर घोषित किया गया था, जिसमें इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियन बनी थी। इसके बाद दोस्तों आईसीसी के इस नियम पर काफी सवाल खड़े किए गए थे। इसके बाद आईसीसी ने इस नियम में बदलाव किया। अब नियम लगाया कि सुपर ओवर तब तक खेला जाएगा जब तक उस मैच का नतीजा ना निकल जाए। और हाँ दोस्तों, सुपर ओवर के ये नियम भी बड़ा दिलचस्प है। नंबर 1, सुपर ओवर में एक टीम की तरफ से ज्यादा 3 प्लेयर्स ही बल्लेबाजी कर सकते हैं। नंबर 2, दोनों टीमों को एक एक ओवर खेलने को मिलते हैं। नंबर 3, जो टीम मैच के दूसरी पारी में बल्लेबाजी करती है वो टीम सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करने आती है। नंबर 4, कोई एक खिलाड़ी बॉलिंग और बैटिंग दोनों काम नहीं कर सकता। नंबर 5, सुपर ओवर में किसी भी टीम के 2 विकेट गिरते ही पारी समाप्त हो जाती है। नंबर 6, गेंदबाजी करने वाली टीम चुनती है कि वो किस छोर से गेंदबाजी करना चाहेगी। नंबर 7, अगर सुपर ओवर भी टाई हो गया तो एक बार फिर सुपर ओवर खेला जाता है। इस सुपर ओवर में वो टीम पहले बल्लेबाजी करती है जो पहले सुपर ओवर में बाद में बल्लेबाजी करती है। और हाँ दोस्तों, मुझे सुपर ओवर का एक और नियम बड़ा ही अटपटा लगा, वो ये है कि सुपर ओवर में बनाए गए रन या लिए गए विकेट्स रिकॉर्ड्स में नहीं जुड़ते। इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।